नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मानव संबंध विचारधारा में एल्टन मेयो के द्वारा जो परीक्षण किए गए थे या जो प्रयोग किए गए थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो एल्टन मेयो के उसी कड़ी में आगे देखते हैं कि एल्टन मेयो ने क्या मूल तत्व प्रस्तुत किए थे। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उनके आधार पर इन्होंने बताया कि संगठन में विचारधारा, जो मानव संबंधी विचारधारा है, उसके तीन मूल तत्व हैं। एक तो इसमें मनुष्य हैं, एक है अनौपचारिक समूह और एक है सहभागी प्रबंधन। उन्होंने कहा कि जो संगठन में कार्यरत है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है और उसकी खुद की अपनी समस्याएं होती है, व्यक्तिगत समस्याएं होती है और उसकी खुद की मूल्य व्यवस्थाएं होती है। समाज में अलग अलग सामाजिक परिवेश से आता है। तो उन्होंने कहा कि इस मनुष्य जो संगठन में कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति केवल और केवल श्रमिक के रूप में नहीं देखा जाए, वो एक समग्र सामाजिक मानव है और उस समग्र सामाजिक मानव को उसके दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है और उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको भी समझना आवश्यक है। उसको किस वस्तु की किस समय आवश्यकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तभी मनुष्य जब ही संगठन में हम संगठन की पैदावार या संगठन का जो मूल्य लागत है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने दिया था अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह, औपचारिक संगठन के अंदर अनौपचारिक समूह की विद्यमानता इन्होंने रेखांकित की थी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और उनमें भावनात्मक निकटता या अन्य कारणों से अनौपचारिक समूह बनता है और ये अनौपचारिक समूह उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। जब भी बहुत से लोगों का जो समूह संगठन होता है उनमें आपसी भावनात्मक, कुछ लोगों में आपसी भावनात्मक निकटता आ जाती है और उन भावनात्मक निकटता आने से ये एक छोटी छोटी उसी संगठन में ग्रुप बना लेते हैं। उन ग्रुपों को हम अनौपचारिक समूह कहते हैं और इन अनौपचारिक समूह बनाने से वो अपनी भावनाएं एक दूसरे को प्रकट करते हैं, उनसे अपना जी हल्का करते हैं और उससे क्या होता है कि उत्पादन में हमेशा वृद्धि होती है, वो संगठन के लिए सकारात्मकता लाता है। तीसरा उसने सहभागी प्रबंधन कहा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सांगठनिक निर्णय या प्रबंधन में सहभागिता मिलनी चाहिए, कि संगठन ऊपर संगठन के जो निर्णय हैं वो ऊपर से ही नहीं थोपे जाने चाहिए, बल्कि संगठन में लिए जाने वाले निर्णयों में जो श्रमिक हैं उनकी भी भागीदारीता होनी चाहिए। हम तो जो मानव संबंधवादी विचारधारा थी उन्होंने ये तीन कारण प्रस्तुत किए थे। देखिए, मनुष्य के लिए उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य शास्त्रीय विचारधारा केवल और केवल आर्थिक मानव के विचार पर केंद्रित थी, लेकिन शास्त्रीय विचारकों की दृढ़ विश्वास था कि अधिक लाभ का लालच देकर हर व्यक्ति को संगठन से जोड़ता है और इसे अधिक पैसा देकर किसी भी सीमा तक कार्य लिया जा सकता है। लेकिन मेयो ने रेखांकित किया था कि हर व्यक्ति संगठन में किसी विशेष कारणों से जुड़ता है, जैसे कुछ कार्य विविधता की वजह से जुड़ते हैं, कुछ अनौपचारिक समूह बनाने की, जैसे घर पर मन नहीं लग रहा तो बाहर चले जाते हैं, इस वजह से भी जुड़ता है। अतः उन्होंने ये कहा कि आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति केवल आर्थिक प्रेरणा से ही प्रेरित हो सके, बल्कि संगठन में हर व्यक्ति को उसकी मूल्य अवस्था या दृष्टिकोण या उसकी व्यक्तिगत के संदर्भ में समझना आवश्यक है। दूसरा उन्होंने अनौपचारिक समूह बताया था। तो अनौपचारिक समूह में इन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान अनौपचारिक ही माना जाता है। उन्हें मेयो ने अपने शोध में निष्कर्ष निकाला कि कार्यस्थल पर कार्मिकों की भावनात्मक निकटता, सामाजिक सांस्कृतिक निकटता अथवा अन्य निकटताओं के कारण अनौपचारिक समूह बनते हैं। ये छोटे छोटे जो समूह होते हैं वो अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करते हैं। इन अनौपचारिक समूह से जुड़ने पर कार्मिक आत्मीयता महसूस करते हैं और अपने हर प्रकार के तनाव दूर कर पाते हैं। इससे उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और समझदार प्रबंधकों को इन अनौपचारिक समूह को सांगठनिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन बनाना चाहिए। तीसरा इन्होंने भी दिया था सहभागी प्रबंधन। मेयो अब तक के जो चिंतक हुए उन्होंने पहला चिंतक था जिसने संगठन में सहभागी प्रबंधन की आवश्यकता दर्शाई।
शास्त्रीय विचारक थे वो केवल श्रमिक को मशीन की तरह मानते थे और मशीन की तरह ही ट्रीट करते थे, उनकी भावनाओं और विचारों पर कोई महत्व नहीं देते थे। लेकिन मैं उन्हें पहली बार ये कहा कि व्यक्ति की भूमिका एक निर्णायक में होनी चाहिए और हर व्यक्ति संगठन को चलाने में योगदान करता है, अतः इन संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय में सभी कर्मिकों की सहायता या सहभागिता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सहभागी प्रबंधन की अवधारणा रखी, जिसमें प्रबंधक और श्रमिक साथ साथ मिलकर संगठन के संदर्भ में निर्णय लें। सारांशतः हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय और नवशास्त्रीय विचारधारा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शास्त्रीय विचारधारा संगठन के संरचनात्मक पक्ष पर ध्यान देती है, बल्कि नवशास्त्रीय या हम कहें मानव संबंधी विचारधारा मानवीय पक्ष को पर पहल देती है। शास्त्रीय विचारकों को आर्थिक उत्प्रेरण व्यक्ति को आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो मानव संबंध उपागम का सामाजिक उत्प्रेरण इनकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और इस प्रकार दोनों ही विचारधारा मिलकर संगठन को पूर्णतया से समझने में हमें सहायता देते हैं। अब हम देखते हैं कि मेयो ने जो विचार दिए तो क्या कुछ आलोचनाएं भी रही क्या मेयो की, या हम किस आधार पर मेयो की आलोचना कर सकते हैं। तो एल्टन मेयो का अपने संगठन में बहुत ज़्यादा योगदान था, लेकिन फिर भी इन पर एक आरोप लगता है अयथार्थवादी यूटोपिया दृष्टिकोण या एकांकी विचारधारा को। मेयो पर यह आरोप इसलिए लगता है कि मेयो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को समझने में ऐसा कर रहा, जैसे कि वह बाद में अब्राहम मास्लो ने रेखांकित किया था, मनुष्य एक सतत इच्छा रखने वाला प्राणी है और हर तरह से खुश रहना लगभग असंभव है। उन्होंने बताया कि कोई भी संगठन केवल श्रमिकों को प्रसन्न करने के लिए ही अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि लाभ कमाने के लिए भी अस्तित्व में आता है, और आवश्यकता से अधिक संतुष्टि और कल्याण उन्मुखता श्रमिक अभिजेतता या हम कह सकते हैं कि लेबर एरिस्टोक्रेसी को जन्म देती है। यह हमने आज के संगठन में जैसे महसूस भी किया है कि सरकारी उपक्रम में कल्याण उन्मुखता अधिक है, सेवा और सुरक्षा ये भी अधिक है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उपक्रम हैं वो भारी घाटे और निम्न उत्पादकता हो रही है वहाँ पर। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि केवल अनौपचारिक समूह या भावनात्मक निकटता, इन्हीं से संगठन नहीं चल सकता। एक ये यूटोपिया ये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था, बल्कि आवश्यक है कि थोड़ा नियंत्रण भी स्थापित हो, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अनौपचारिकता या अनुशासनहीनता है वो अनुशासन अनौपचारिकता है वो अनुशासनहीनता में बदल जाती है, और अनुशासनहीनता हमेशा संगठन को नुकसानदायक होती है। ये इनकी आलोचना का मुख्य बिंदु है। दूसरा, इनकी आलोचना इस आधार पर भी वैज्ञानिक करते हैं कि मेयो ने गाय समाजशास्त्र की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मेयो अनौपचारिक मानव संबंध बातचीत करके उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हैं, लेकिन कभी भी श्रमिकों के उपयुक्त प्रशिक्षण पर उपयुक्त वेतन जैसे तत्वों को महत्व नहीं देते, और आलोचकों के अनुसार भावनात्मक शोषण के द्वारा उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने एक पक्षीय ही विचार रखा था कि अनौपचारिक समूह होने चाहिए, भावनात्मक निकटता होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए मानव से, लेकिन कभी भी मनुष्य को ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में डेवलप करने की बात उन्होंने कहीं नहीं कही कि उनको उपयुक्त प्रशिक्षण भी दें, उपयुक्त वेतन भी, उनका समय के साथ उनका वेतन भी बढ़ाएं। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि भावनात्मक शोषण होता है मनुष्य का, केवल बातें अच्छी अच्छी मीठी मीठी करके और मनुष्य का भावनात्मक शोषण करें, बाकी उनके वेतन बढ़ाने पर कोई बात इन्होंने मेयो ने नहीं की। तो ये भी एक इनकी आलोचना का पॉइंट होता है। लेकिन ये नहीं कि मेयो का योगदान कम है इसकी वजह, मेयो ने संगठन में मनुष्य को समझने की जिस परंपरा का सूत्रपात किया उसी को आगे चलकर व्यवहारवादी विचारधारा का विकास हुआ। इसमें संगठन को समझने के लिए कई ये और सुझाव और निष्कर्ष दिए हैं। मेयो के विचार केवल तत्कालीन संगठनों के लिए नहीं बल्कि समकालीन संगठनों के लिए भी उपयोगी हैं, और आज भी विशेषकर सरकारी तंत्र में कार्मिकों के प्रबंधन के संबंध में मेयो के विचार नितांत प्रासंगिक है। तो ये था
आज मेयो के मूल जो मानव संबंध विचारधारा थी उनके मूल तत्व और मेयो के आलोचनात्मक परीक्षण, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।